difference between formal and informal communication. देखो, लिखने का तो जो तरीका है, पहले हम लोग लिखते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार, फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अगर देखा जाए तो जो डिफरेंस है, बेसिस ऑफ डिफरेंस, उसी को देखा जाता है, फिर बाकी फॉर्मल में आपने क्या लिखा, इनफॉर्मल में क्या लिखा, वो ठीक है, बट जो चीज लिखे है वो दोनों में ये प्रेजेंट है, वही हमारा क्या है, बेसिस ऑफ डिफरेंस। तो तीन लाइन खींच लीजिए, फॉर्मल इनफॉर्मल, दो चार लिखा देते हैं। फर्स्ट टाइम, फॉर्मल जो होता है इट इज ए रिटन कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ये जब रिटन है तो ये क्या होगा, ओरल होगा, गेस्ट्रल। दूसरा स्पीड, जितने भी रिटर्न कम्युनिकेशन होंगे उसका स्पीड कम होगा। किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपके पास एक सर्कुलर आया, आप उसको पढ़ेंगे, दैट इज ए कम्युनिकेशन। आप दूसरे को पास वन करेंगे, वो भी पढ़ेगा, लेकिन अगर कोई भी चीज ओरली आके बोल दिया जाए कि एक सर्कुलर में ये लिखा हुआ है, बहुत फास्ट होता है, तुरंत सभी के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो स्पीड यहां पर स्लो होगा और यहां पर वेरी फास्ट। कोई भी इंफॉर्मेशन के ऊपर आप कितना विश्वास करते हैं, बोलिए, सुनी सुनाए जो ओरल होता है उस पर आप ज्यादा विश्वास करेंगे या जो लिखा हुआ है उसके ऊपर विश्वास करेंगे? नो डाउट, जिसमें लिखा हुआ है उसके ऊपर विश्वास करेंगे। मोर इनफॉर्मल इसके ऊपर आप कम विश्वास करेंगे। लेस रिलायबल। तो अभी आप देखें टाइप, स्पीड, आप कितना इसके ऊपर आप विश्वास करेंगे, स्पीड क्या है, टाइप्स क्या है। अनदर नेम, क्या इसका और भी कोई दूसरा नाम है, किसका, फॉर्मल का और इनफॉर्मल का? तो अनदर नेम में आप फॉर्मल में लिखेंगे ऑफिशियल, हमेशा एक बात याद रखेंगे, ऑफिस में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो लिख के होता है,
कोई भी इंफॉर्मेशन अगर दिया जाएगा तो लिख के दिया जाएगा, ताकि आप बाद में ये नहीं बोल सकते हैं सुने ही नहीं हम, या जब आप बोल रहे थे तो हम थे ही नहीं, ये आप नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए ऑफिस में जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, रिटर्न होते हैं, और आपसे उसमें साइन करा लेता है। इनफॉर्मल, अभी इनफॉर्मल का एक नाम आपने देखा था क्या, यानी फॉर्मल का भी एक नाम और हो गया, बहुत सारा है, एक और लिख देते हैं, टाइम टेकन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्योंकि रिटर्न होते हैं इसीलिए ये ज्यादा टाइम लेता है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इसमें कम टाइम लेगा। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और ये उससे कम टाइम लेगा। तो अभी आप दोनों में कंपेयर कर रहे थे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के क्या डिफरेंस हैं।